सब्सक्राइब कीजिए एसएससी ज्ञान सागर चैनल को, साथ के साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आप पा सके लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस और साथ के साथ गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से संबंधित सभी जानकारी। चलिए तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा एसएससी का 11/2015 कैटेगरी नंबर 2 का जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था टैक्सेशन इंस्पेक्टर का। तो कहीं ना कहीं एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम भी इससे ही रिलेट करेगा। ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग सेट किया गया है दोस्तों, तो प्लीज़ आप वीडियो को जरूर देखें, कंप्लीट वीडियो देखें। अगली बार बहुत जल्दी वीडियो डाली जाएगी, टाइम बहुत कम है, तो जल्दी से क्वेश्चन पेपर को हम शुरू कर लेते हैं। हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हिंदी का आता है आपका आचरण सर्वथा डैश है, तो ये होगा अनुकरणीय। क्वेश्चन नंबर 2, मैं वह डैश भूमि नहीं खरीदूंगा, तो इसमें आंसर होगा 4, उसर यानी कि अनुपजाऊ। परिवार डैश पर आधारित वृत्तचित्र दिखाना लाभप्रद होगा, तो आंसर होगा सी नियोजन, परिवार नियोजन पर। क्वेश्चन नंबर 4, ऋषभ उदय दिवसावसन का सूचक होता है, तो इसमें हमें सर्वाधिक उपयुक्त शब्द चुनना है, तो ये होगा आंसर 4, नक्षत्र या तारागण। आज के युग में साधु संतों में भी ऋजुता नहीं रही, तो इसमें भी वही बताना, सर्वाधिक उपयुक्त जो बोल्ड करके दिया है, ऋजुता का अर्थ होता है सरलता। क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर हमें यर एलएवएस सेट करने हैं, तो आज से लगभग एक शताब्दी पूर्व, इसके अगर आप सेट करेंगे बिल्कुल इजीली हो जाएगा आपसे, तो ये आंसर आएगा 2, ये व र ल। टाइम बहुत कम है तो जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, ये एक आइडिया है कि भाई क्वेश्चन पेपर कैसे सेट किया जाएगा। जब टैक्स इंस्पेक्टर का ऐसा सेट था तो एक्साइज इंस्पेक्टर भी कहीं ना कहीं इससे मैच होता हुआ मिलेगा। दोनों 11/2015 की कैटेगरी के थे, फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी अलग अलग, सेकंड कैटेगरी का पहले ले चुके हैं एग्जाम, जैसे कि आपने पहले दिया भी हो तो शायद, और कैटेगरी 1 के लिए ये रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा, इसमें पूछा है वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, मत्स्य, और इसको भी यर लेवल से सेट करना है, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा हमारा यहाँ से, व र य ल, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, ईद का चांद होना, मतलब मुहावरा ही पूछा होगा, पूरी डिटेल पढ़ने के बजाय हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो ईद का चांद होना का मतलब होगा आंसर ए, बहुत कम दिखाई देना। क्वेश्चन नंबर 9, एक थैली के चट्टे बट्टे, यानी कि एक थाली के चट्टे बट्टे किनको कहा जाता है, आंसर होगा इसका 2, एक जैसी प्रकृति के। क्वेश्चन नंबर 10, कागजी घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े दौड़ाना को हम मुहावरे में क्या अर्थ होगा, इसका मतलब होगा लिखा पढ़ी ज़्यादा करने वाले को कागजी घोड़े दौड़ाना बोलते हैं। अब हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, इसके अंदर बोला है इन्हें अपोजिट हमें बताना है, तो अपोजिट चैफिंग, चैफिंग का अपोजिट क्या होगा, सीरियस, चैफिंग हंसी मजाक करने वाला, और डी होगा सीरियस। और क्वेश्चन नंबर 12, ट्रेजिक, तो इसका होगा बी कॉमिक, अपोजिट बताने थे। क्वेश्चन नंबर 13, बेस्ट एक्सप्रेस सिनोनिम्स बताना है, पिल्फर का क्या होगा, स्टील चुराना, ट्रिम्फ विजय, तो इसका होगा विक्ट्री। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 हो चुका है, 15 जो होगा पैराग्राफ के अंदर दे रखा है, बिल्कुल आसान पैराग्राफ है, मैं थोड़ा वीडियो को यहाँ पॉज कर रहा हूँ, आप भी वीडियो को पॉज करके पूरा पैराग्राफ रीड कर सकते हैं, और उसके बाद इनके क्वेश्चन के जवाब आप अपने आप रेडी कर लीजिए। आंसर मैंने इसके अंदर दे रखे हैं 4 और 2, क्वेश्चन नंबर 15 का और 16 का। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 जो होगा उसका भी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है, तो इसका आंसर होगा 3, जो पैराग्राफ आपने पॉज करके देखा था। बिल्कुल स्लो स्लो वीडियो चला रहा हूं मैं, टाइम बहुत कम है, सैटरडे है, संडे है, केवल एक दो दिन ही बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 18, इसका होगा 2, ये भी पैराग्राफ पर डिपेंड है, बिल्कुल ही आसान पैराग्राफ था, अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो एक दिन भी बहुत है, आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम कैसा पूछा जा रहा है, अंदर क्या कुछ पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, द ग्रेटर मोटिवेटर इज, ये भी पैराग्राफ पर डिपेंड है, आंसर 4, फुलफिलमेंट ऑफ पर्पज। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला 20-21, इसका करना पिक आउट द बेस्ट विच कैन कंप्लीट द इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, तो ये जो पूरा पैराग्राफ है कंप्लीट नहीं था, तो इसके बाद का बताना है, इन ऑर्डर टू रेज द कंपनीज प्रॉफिट द एम्प्लॉई ऑफर टू वर्क ओवर टाइम विदाउट एनी कंपनसेशन, ठीक है जी, तो आंसर हो जाएगा हमारा 20 का 4। अब अगला आता है हमारा 21 का, वेट हियर टिल आई कम बैक, जब तक मैं आता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 21, वहाँ तक हमारा इंग्लिश सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। 22 का जो क्वेश्चन आता है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने, तो ये हरियाणा जीके से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चंस, तो आप ज़रूर पढ़कर जाएं।
अगली बार वीडियो बहुत जल्दी अपलोड की जाएगी, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 22 का है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? आंसर होगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी जल्दी जल्दी करते हैं। ये भी हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आंसर 4 मेवात। हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? तो कई बार पढ़ा होगा मुर्रा भैंस। क्वेश्चन नंबर 25, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है? तो ये होगा आंसर 2 गुड़गांव के फरुखनगर में है। नेक्स्ट है 26 का, छड़ी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? आंसर 2 गुगा नवमी पर। 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हैं कौन सी रही है? तो 4 चंद्रावल। क्वेश्चन नंबर 28, सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आंसर डी सूती वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 29, ईख की खेती प्रहसन के लेखक कौन है? तो आंसर होगा हमारा राजाराम शास्त्री। क्वेश्चन 30 आ जाता है जल्दी जल्दी, कृषि आधारित फूड पार्क कहाँ स्थापित है? तो आंसर 4 होगा नरवाना साहा डबवाली, हर जगह है ये। क्वेश्चन 31, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से है? तो हरियाणा जी के बिल्कुल आसानी पूछी गई थी, आंसर 2 लोक संपर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, ढोसी तीर्थ स्थल का संबंध किस ऋषि से है? तो आंसर 3 54 ऋषि से है। क्वेश्चन नंबर 33 का, थानेसर नामक स्थान किस राजा की राजधानी रही है? तो आंसर 1 हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 34, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो किससे की जाती है? रोहतक सोनीपत करनाल उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 35, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आंसर 3 फरीदाबाद। इसमें पूछा जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 36 का आ जाता है हमारा 36 का, हिसार नगर किस प्रसिद्ध शासक की जन्मभूमि है? तो जन्मभूमि पूछी है, आंसर होगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, अगर ये पूछता कि किसने बनवाया तो मोहम्मद बिन तुगलक होता। क्वेश्चन नंबर 37 आता है, महाभारत युद्ध में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किस स्थान पर किया? तो आंसर 2 अमीन में। अब हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 38, गुगा पीर उत्सव पर कौन सा नृत्य करने की परंपरा है? तो छड़ी नृत्य दोबारा रिपीट हो गया इसी क्वेश्चन पेपर में, तो हो सकता है आपके इस एग्जाम में कुछ क्वेश्चन यहाँ से उठा करके और वहाँ डाल दिए जाएँ। तो अगला आता है 39 का क्वेश्चन, पीला तो ओड मारी जच्चा मुंडले बैठी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये होगा संतान जन्म पर। क्वेश्चन नंबर 40, हरियाणा के किस क्षेत्र में तीसरी शताब्दी में योद्धियों का बोलबाला था? तो आंसर 1 रोहतक में। क्वेश्चन नंबर 41, हिसार के किस नगर में खुदाई के समय 9वीं शताब्दी के प्राचीन सिक्के मूर्तियां व हस्तलिखित ग्रंथ मिले थे? तो आंसर होगा 3 अग्रोहा से। क्वेश्चन नंबर 42, अति प्राचीन वटवृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है कहाँ है? ज्योतिषर। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं अगर आपने पहले कोई एग्जाम दिया है तो। ये आ गया फिर से वही क्वेश्चन जो मैंने अभी जो रिसेंटली वीडियो डाली थी उसके अंदर भी था, ये बीबीसी का पावर हाउस यानी कि बॉक्सिंग का पावर हाउस किस नगर को माना जाता है? तो ये होगा भिवानी को। अगला है, हरियाणा का सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? तो ये होगा आंसर 2 पलवल हरियाणा की, लेकिन अगर इसके अंदर ऑप्शन दादरी नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग हमने पलवल आंसर दिया था, हालांकि अगर दादरी ऑप्शन हो तो हम आंसर लगाएंगे दादरी। 45 का आ जाते हैं, हरियाणा की लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो सभी को पता है लोकसभा सीटें 10, राज्यसभा विधानसभा ये भी आपको पता है विधानसभा 90 और राज्यसभा की 5। तो यहीं से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का, सोनीपत जिले के खेड़ी गुजर गांव में कौन सा तीर्थस्थल स्थापित है? तो आंसर 3 सतकुंभा तीर्थस्थल। 47 का आ जाते हैं, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया था? तो सोवियत यूनियन ने। नेक्स्ट है 48 का, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी किस प्रकार का संग्राहक उपकरण है? तो ये है प्रकाशीय, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 का, मांग के नकारात्मक आय लोच किससे संबंधित है? इनकम की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछ रखा है, तो ये होगा निष्कृष्ट वस्तुओं से यानी कि इन्फीरियर जो गुड्स होती हैं उनसे संबंधित है मांग की नकारात्मक आय लोच। क्वेश्चन नंबर 50 का आ जाता है, प्रदर्शित में कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो आंसर होगा 1 तीज नृत्य। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसका साधारणतः हवा की गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो आंसर बी एनीमोमीटर, हवा की गति बोला है, अगर हवा का दाब बोलता तो बैरोमीटर होता जो कि ऑप्शन डी में दिया है, तो ये गति है तो एनीमोमीटर। नेक्स्ट 52 का, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर 4 लखनऊ, सिडबी की फुल फॉर्म आप सॉरी आपको पता भी होगी,
स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है हमारा 53 का क्वेश्चन, हाल ही में आधार विधेयक को संसद द्वारा मुद्रा विधेयक के रूप में पारित किया गया है, कोई विधेयक मुद्रा विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष, जो कि आंसर सी में दिया है। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 54, 54 का क्वेश्चन है, जब बहुत अधिक पैसा कुछ ही वस्तुओं का पीछा कर रहा हो तो यह कैसी स्थिति होती है? इकोनॉमिक्स के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मेरी काफ़ी कुछ वीडियो हैं जो आप अगर अब भी रीड करेंगे तो उनमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके ऊपर जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर से आप जो पिछले एग्ज़ाम है वो वीडियो निकाल करके देखें। आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपके पास एक घंटा है, दो घंटा है, पाँच घंटे, जितने भी बच्चे हैं, तो आप ज़रूर वीडियो को देखें, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। चलिए आ जाते हैं 54 का क्वेश्चन, जब बहुत अधिक पैसा कुछ ही वस्तुओं का पीछा कर रहा हो तो यह कैसी स्थिति होती है? तो आंसर दो, मुद्रा स्फीति की स्थिति होगी। 55 का आता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 3/29 जून को। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय नौसेना द्वारा वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट का हाल ही में विमोचन किया गया, जिसका क्या नाम है? तो ये करंट जीके से संबंधित क्वेश्चन था जो पूछा गया था एग्जाम में, आंसर है INS तरासा। नेक्स्ट है 57 का, अपमार्जक किस सिद्धांत पर सतह को साफ करते हैं? तो आंसर होगा 2, सतही तनाव। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है, 58 का क्वेश्चन, तो यह है पानीपत में। 59 का, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकासात्मक व्यय है? तो सिंचाई व्यय एक विकासात्मक व्यय के रूप में माना जाता है। 60 का क्वेश्चन है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स F1 चैंपियनशिप 2016 का खिताब किसने जीता था? तो आंसर 4, लेविस हैमिल्टन ने। 61 का, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की पश्चिमी प्रवाह में नदी है? आंसर 4, कावेरी नदी, जो कि पश्चिम में बहती है। नेक्स्ट 62 का क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी कर सकता है, क्या न्यायालय जारी क्या कर सकता है? एक रिट जारी कर सकता है, यानी एक याचिका जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 63 का आ जाता है, वर्ण हरित का खनिज घटक क्या है? आंसर 2, मैग्नीशियम। 64 का, नेल पॉलिश रिमूवर में कौन सा पदार्थ होता है? तो आंसर 4, एसीटोन। क्वेश्चन नंबर 65 का, परमाणु रिएक्टरों में ग्रेफाइट का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है? तो आंसर होगा हमारा 3, मंदक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 66 का, तूफान की भविष्यवाणी होती है यदि वायुमंडलीय दबाव, आंसर 3, अचानक गिरता है। अगर अचानक गिरता है तो क्या होगा? तूफान की भविष्यवाणी, और अगर धीरे धीरे गिरता है तो समझ लीजिए बारिश की भविष्यवाणी होती है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत सरकार का सर्वाधिक प्रमुख कौन है? आंसर 4, राष्ट्रपति, सभी को पता भी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 बिल्कुल आसान है, 68 का भी, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो आंसर 3, 1946 में। अगला है, IR20 एक महत्वपूर्ण किस्म है, तो ये किस चीज़ की किस्म है? धान की, आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 70 आ जाते हैं, अब हम हरियाणा केसरी के नाम से कौन विख्यात है? तो ये होंगे पंडित नेकीराम शर्मा। क्वेश्चन नंबर 71 का, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी सतह रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी की सतह की तरफ प्रतिबिंबित करती है? तो ये होगी आयनोस्फीयर। तरीका भी बताया था मैंने पिछली वीडियो में शायद, इसको कैसे याद किया जा सकता है। 72 का क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 73 का, भारत के संविधान के अनुसार अंतिम स्वायत्त है? तो भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 74, संसद द्वारा UTI अधिनियम पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था? ऑप्शन 3, 1963 में। क्वेश्चन नंबर 75 का आता है, देश में पार्ट टाइम कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी को लागू करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम है? तो ये है राजस्थान, काफ़ी चर्चा में था ये, रिसेंटली न्यूज़ में था जो। क्वेश्चन नंबर 76 का, जून 2016 में रियो 2016 ओलंपिक और पैरालंपिक खेल समारोह में आयोजक समिति द्वारा कौन सा औपचारिक नारा प्रकाशित किया गया? ये कई बार SSC में, बैंकिंग में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा ए, न्यू वर्ल्ड, ऑप्शन ए में जो गिवन है, ए न्यू वर्ल्ड। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77, यहाँ से मैथ का सेक्शन शुरू हो जाता है। तो 77 का क्वेश्चन, यहाँ मैथ करवाना पॉसिबल नहीं रहेगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखें। तो 77 का जो क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। 77, 78 मैंने आंसर सभी के यहीं लगा दिए हैं। 79 वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। 80, 81 जल्दी जल्दी बता देता हूँ, आंसर जो है गिवन है यहीं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, शायद ही कोई क्वेश्चन था जो आपसे सॉल्व ना भी हो।
86, ये भी मैथ का सेक्शन है, 86, 87, 88, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, पेन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है कुछ क्वेश्चंस में। तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ मैं वीडियो को। ये हो गया हमारा 93 तक, और जो लास्ट है वो हमारा 94 से शुरू हो जाता है, 94, 95, 96, आंसर साथ के साथ गिवन है सभी क्वेश्चंस के, 97। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं थोड़ा सा जो टाइम कंज्यूमिंग है, अदरवाइज कुछ मैक्सिमम क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनमें पेन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों 100 तक हमारे क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं, ये पूरा क्वेश्चन पेपर था, तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से मैच होते हुए मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगली बार जो वीडियो होगी बहुत जल्द अपलोड की जाएगी, आपका जो एग्ज़ाम होगा उसकी भी आंसर की डाली जाएगी, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपके एग्ज़ाम के बाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।